दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम हर चीज़ सीरियली सीखते जा रहे हैं, तो सेंटेंस सीखें, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं उनको जाने, उनके बाद जो है पहला पार्ट था क्या, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है वो कितने प्रकार के, देखो भी जाने कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें नॉट, नो वगैरह नहीं लगा हो, और नेगेटिव जिसमें नॉट, नो, नाइदर, नोर, नेवर लगा हो, नेगेटिव होता है। उनको बनाने का तरीका भी सीखे हैं कि हम कैसे बनाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, फिर हमको मेन वर्ब लेना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट, ये जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। वही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट डाल देते हैं और वो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इनको जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, और पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये बेसिक रूप से जो किसी ना किसी क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है और कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव का ही मतलब है कि क्वेश्चन करना, क्या करना, क्वेश्चन करना। तो बोलेंगे कि दिस इज यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चंस को पूछने के लिए जिस शब्द का आप यूज करते हैं हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर किसी से पूछ रहे हैं कुछ भी पूछ रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और बाकी अगर मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन आपको कहीं भी कोई एग्जाम वगैरह में से नहीं पूछेगा, हमको बस जाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना कैसे है, समझिए। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को ऐसे डिनोट करेंगे और सेंटेंस को ऐसे डिनोट करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक नंबर में होता है यस नो क्वेश्चन। और दूसरा नंबर में होता है आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इनको जानना है कि ये बनता कैसे है, समझिए। और इनको पहचानने के लिए भी सीखेंगे क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर यस नो क्वेश्चन या डब्ल्यू एच क्वेश्चन है या नहीं है, समझिए। तो हम जानते हैं यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो यस नो क्वेश्चन वो होता है कि जब आप किसी से क्वेश्चन करें ना और उनका रिप्लाई या तो यस या तो नो में आ जाए तो बोलेंगे यस, दिस इज इंट्रो यस नो क्वेश्चन। सपोजिट अगर मान लो किसी से आपको कुछ पूछना हो, क्या आप पागल हैं, तो उनका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आए तो बोलेंगे वो यस नो क्वेश्चन है। तो क्या आप पागल हैं, तो उधर से बंदा जवाब देगा, अगर है तो हाँ, नहीं है तो बोलेगा नहीं। तो केवल यस और नो में ही आंसर आएगा, तो हम बोलेंगे यस नो क्वेश्चन है। अगर हमको देहाती स्टाइल में समझना हो कि हम यस नो क्वेश्चन को कैसे पहचानें, तो हिंदी में जो सेंटेंस होता है ना उसका शुरुआत क्या से होता है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो हम अपने तरीका से जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। तो लिखेंगे जिसका शुरुआत क्या से हो बोलेंगे वो क्या है, यस नो क्वेश्चन है। वो क्या है, यस नो क्वेश्चन है। पर ऐसा नहीं है, ये आपको धोखा दे सकता है। अगर मैं बोलूँ ना तो क्या नहीं भी लगाऊंगा तो भी आपसे क्वेश्चन कर लूँगा, तुम पागल हो, तो बोलने के स्टाइल में पता चलता है क्या तो वो क्वेश्चन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या जरूर नहीं कि शुरुआत में क्या रहेगा, पर अगर पहचानने का एक तरीका है कि शुरुआत में अगर क्या लगा हो तो बोलेंगे वो क्या है, यस नो क्वेश्चन है। लेकिन बस सिंपल से याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर यस या नो में आ रहा है तो बोलेंगे वो क्या है, यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे वो भी जानेंगे। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है कि हर, यानी कि जिस
जैसा कि आप लोग अभी जो समझे हैं कि येस नो क्वेश्चन क्या होता है, येस नो क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर केवल येस या नो में आए, अगर हिंदी में पहचान ना हो ना तो शुरुआत में क्या लगा होता है, पर वो भी धोखा दे सकता है, इसीलिए केवल और केवल आपको ध्यान देना है हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो येस नो क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे उसको बाद में जानेंगे। उसके बाद जानते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, तो कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, कौन, क्या, कौन, क्या आदि, और भी बहुत सारा है, आदि शब्द बीच में कहीं भी लगा रहे तो हम बोलेंगे वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। जैसे तुम कौन हो तो कौन आया ना, ये क्या आया, कौन आया, तो ये कौन शब्द जैसे आया तो बोलेंगे वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। क्या है वो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। जैसे तुम कैसे हो तो कैसे आया ना, बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। जैसे वह कहाँ है तो कहाँ आया, तो बोलेंगे वह कहाँ है, ये पूरा सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आया ना, तो बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन जिसमें कैसे, क्यों, कहाँ, कब, कौन, क्या आदि किस सेंटेंस के बीच में कहीं भी लगाओ तो बोलेंगे वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि येस नो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो येस नो क्वेश्चन था या फिर वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का जरूरी पड़ता है। ये बेसिक सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, इसको याद या माइंड में बैठा लीजिए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसे का अगर नेगेटिव बनाना हो ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नोट डाल देते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हमको सीखना है अब क्या कि येस नो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे या फिर जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सिंपल सा है बात, बस यहीं पर माइंड में ध्यान से सीखिएगा तो आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और ध्यान देना है कि इंट्रोगेट येस नो क्वेश्चन का रूल बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी पड़ता है हेल्पिंग वर्ड। किसकी जरूरत पड़ता है, हेल्पिंग वर्ड। तो बार बार बोलिएगा याद हो जाएगा। तो किसी भी येस नो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, तो मेन वर्ब लेना है। और फिर उसके बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा ये कैसे किए। येस नो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना उसका हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है और सब्जेक्ट को उसके बाद कर देना है, वही बन जाता है येस नो क्वेश्चन। क्या बन जाता है, येस नो क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट पहले था और हेल्पिंग वर्ब बाद में, हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दिए, ये बन गया आपका क्या, येस नो क्वेश्चन। और जैसे ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना उसके एंड में एक सिंबल लगता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में, अंत में कभी भी ये सिंबल लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये सिंबल को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो येस नो क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। मैं इस पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण एग्जांपल का अगर मैं बात करूँ तो, क्या सीता, क्या सीता बीमार है, क्या सीता बीमार है। तो भाई क्या सीता बीमार है, तो देखना इसका आंसर, अगर वो बीमार है तो बोलेगा हाँ बीमार है, बीमार नहीं है तो बोलेगा नहीं बीमार नहीं है। तो इसका आंसर किस में आ रहा है, हाँ या ना में आ रहा है ना, इसका आंसर हाँ या ना में आया, बोलेंगे वो क्या होता है, येस नो क्वेश्चन होता है। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ड चाहिए,
ना, सबसे रूल क्या कहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, जिस भी सेंटेंस जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है या जिसका आंसर ये सो नो में आए ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, समझिए। और बात पर कब क्या है, ये सब चीज़ बाद में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो सीता बीमार है, प्रजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, सीता के साथ आता है इज है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज। इसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो लेंगे सीता, तो इज इज सीता, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो लेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो बच गया, तो सीता हो ही गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, बच्चा बीमार तो इल, क्वेश्चन मार्क बोला ई सीता इल, क्या सीता बीमार है। अब क्या होगा, यस नो का नेगेटिव भी हो सकता है, यस नो का क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव बहुत ही सिंपल है, अगर यस नो का क्या करना हो, नेगेटिव करना हो ना, तो कुछ मत करना, ये इज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीता, तो इज सीता, अगर सीता बीमार नहीं है तो क्या करेंगे, इज सीता नॉट इल, क्या सीता बीमार नहीं, इसका हिंदी क्या होगा, क्या सीता बीमार नहीं है, क्या सीता बीमार नहीं है। अगर ये सुनो का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या डालते हैं, नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या डालते हैं, नॉट डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सुनो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड चाहिए जो कि आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए जो कि आ गया, अगर नेगेटिव है तो नोट डालेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को हम जान चुके हैं कि जिसका शुरुआत में क्या लगा हो या जिसका आंसर केवल यस या नो, हाँ या ना में आए, वो क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। उसको बनाने के लिए भी सीखे हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। वहीं अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या डाल देते हैं, नेगेटिव डाल देते हैं, उनको बनाने के लिए सीखे थे। अब जानते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का डेफिनेशन जानने के लिए उनको पहले वर्ड मीनिंग से जानना पड़ता है, क्योंकि वो डेफिनेशन उतना काम का होता है नहीं, तो वर्ड मीनिंग से ही उसका डेफिनेशन निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, याद रहेगा क्या अगर शुरू में आए ना उसका कोई इंग्लिश नहीं होता है, लेकिन वही क्या अगर कोई बीच में आ जाए ना तो उसका इंग्लिश होता है व्हाट। और ये क्या जो है ना, देखते पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो हु, हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है कौन, व्हेन मीन्स होता है कब, इन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स कौन सा या कौन सी या कौन सा। क्या इतना ही है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, नहीं और भी बहुत सारा है, बस ये हम आपको समझाने के लिए लिए हैं, बाकी और भी बहुत सारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इनको इसलिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का सारा के सारा जो है ना शुरू ही डब्ल्यू एच से होता है, किससे होता है, डब्ल्यू एच से होता है। देखिएगा यहाँ भी डब्ल्यू एच है, यहाँ भी डब्ल्यू एच है, यहाँ भी डब्ल्यू एच है, यहाँ भी डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, तो लगभग वर्ड ऐसे हैं जिनके शुरुआत ही डब्ल्यू एच से होता है, इस वजह से इनका नाम रख दिया है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब क्या इनका डेफिनेशन क्या हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है क्या कि जैसे कि क्या कि ये जो है व्हाट, व्हाट का जो है यूज हम करते हैं किसी भी पर्पज को जानने के लिए, क्या करने के लिए, पर्पज, उद्देश्य को जानने के लिए, किसको जानने के लिए, उद्देश्य को जानने के लिए। तो बोलेंगे कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन किस क्या होता है, तो जिससे उद्देश्य को पता करना हो, पर्पज को पता करना हो। और ये हु, हु का जो यूज करते हैं वो किसी आदमी को जानने के लिए, किसको जानने के लिए, किसी आदमी को जानने के लिए, तो बोलेंगे मतलब आदमी, तो मेन क्या, किसी भी आदमी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, हु, समझिए। उसके बाद वेन, वेन क्या है, कब, यानी ये टाइम को बताता है, किसको बताता है, टाइम। तो जब आपको किसी से क्वेश्चन करके टाइम पता करना हो ना, तो बोलेंगे वो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। उसके बाद वेयर, वेयर का ये जो है हम स्थान यानी प्लेस, स्थान को जानने के लिए करते हैं, प्लेस को जानने के लिए करते हैं। तो किसी भी अगर स्थान के बारे में जानना हो और आप पूछ रहे हैं तो बोलेंगे वो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। और वाई, वाई को भी, वाई जो है ये भी क्या करना, कन्फर्म करने के लिए,
वाई जो है कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं कि मान लो तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तो मुझे कंफर्म करना है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, समझ गया। तुम सिनेमा देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, तो कंफर्म करने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तो यानी कि पता करने के लिए, कंफर्म श्योर होने के लिए, तो लिखेंगे कंफर्म, तो कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हाउ, हाउ जो है मैनर को बताता है, तरीका को बताता है, किसको बताता है, मैनर, तरीका को बताता है। सपोज मान लो कि तुम पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, जरा मुझे भी दे बताओ कि कैसे पढ़ रहे हो, तो तरीका कि तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या है। तो किसी भी काम का अगर तरीका जानना हो तो बोलेंगे किसका यूज करना है, हाउ का, और हाउ क्या है, एक डब्ल्यू एच वर्ड है। उसके बाद विच मतलब कौन सा, कौन सी, तो इसको भी मतलब ये भी कंफर्म करने के लिए ये होता है कि अगर मान लो तुमको साड़ी चाहिए, सपोज जीन्स चाहिए, शर्ट चाहिए, तो कौन सा जीन्स चाहिए, कौन सा शर्ट चाहिए, समझ गए, तो ये भी कंफर्म करने के लिए यूज ही होता है। तो लिखेंगे कंफर्म। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन यहीं से निकलता है कि जब आपको किसी भी काम के लिए उद्देश्य का पता करना हो, किसी आदमी का जानकारी लेना हो, किसी भी समय के बारे में पूछना हो, जगह के बारे में पूछना हो, किसी काम से का करना हो, कंफर्म पता करना हो, समझ गए, और किसी काम का तरीका जानना हो, तो हम बोलेंगे वो क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का परिभाषा इन्हीं से निकलता है। उद्देश्य को जानना हो, किसी आदमी को जानना हो, या समय को जानना हो, या स्थान को जानना हो, किसी काम का पता करना हो कि वो कैसे हो रहा है, तरीका जानना हो, तो बोलेंगे वो क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। हमको जानना है कि ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो किसी भी डब्ल्यू एच को